तो अब अगली खबर का रुख करेंगे। एक तरफ काबुल है तो दूसरी तरफ बगदाद, और बगदाद में मंगलवार की शाम आईएसआईएस के आतंकवादियों ने एक के बाद एक धमाकों से बीसियों बेगुनाहों की जान ले ली। इनमें एक धमाका शहर के एक आइसक्रीम पार्लर में हुआ, जिसकी भयानक तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन दोनों ही धमाकों के पीछे आईएसआईएस का हाथ बताया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के सबसे हाई प्रोफाइल इलाकों में से एक वजीर अकबर खान, वो इलाका जहां अफगानिस्तान में तमाम मुल्कों के दूतावास मौजूद हैं। लेकिन इसी हाई प्रोफाइल इलाके में बुधवार की सुबह करीब 8:30 बजे एक ऐसा धमाका हुआ जिससे पूरा अफगानिस्तान थर्रा उठा और जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी। जर्मन और ईरानी दूतावास के करीब हुआ ये दरअसल एक ऐसा आत्मघाती हमला था जिसमें 65 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा बुरी तरह जख्मी हो गए। ये धमाका इतना जोरदार था कि न सिर्फ इसके शॉक वेव्स दूर तक महसूस किए गए, बल्कि इसकी आवाज से इलाके के बहुत से मकानों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। ऐसे ही इमारतों में काबुल में मौजूद भारतीय दूतावास भी एक है। हालांकि इस हमले में भारतीय दूतावास के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं हुआ।